हेलो नमस्कार। आज कक्षा 11 की डे 35 क्लास हम करेंगे, जिसमें चैप्टर संख्या 4 चल रहा है, अपना पूरा हो गया। और अब हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल क्लास। वैसे हमने पिछली क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स और सोल्व करते हैं। जितनी ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उतना ही डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो डेरिवेशन में हम कैलकुलेशन करते हैं और न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन करते हैं वो वहीं से ही आती है, सेम है दोनों। तो न्यूमेरिकल में हम उसी कैलकुलेशन को, चार न्यूमेरिकल कर लिए तो उसी को चार बार कर चुके हैं, फिर दोबारा डेरिवेशन को जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे करना है हमें और क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, किस तरह से कैलकुलेशन है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई किए गए हैं, सारी चीजें। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है शुरू में, तो वो दिक्कत आने धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेगा उतनी ज्यादा उतनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती चली जाएगी। तो अपने 20 में से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना आप इनकी, आप भी अपने स्तर पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं से भी उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। पहले आप टॉपिक को पढ़े, रिवाइज करें, अच्छी तरह समझ लें, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो उनके फॉर्मूलाज हैं, उनको एक जब चैप्टर समाप्त हो जाए तो उसके बाद एक पेज पे उस चैप्टर में आने वाले सभी सूत्र को लिख लें और उनको रिवाइज दो तीन बार करते रहें, ताकि जब अपने को न्यूमेरिकल करने तो पूरा डेरिवेशन भी करना है, हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला को यूज करना है कि कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा यूज होगा, तो वो भी याद रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर आप इनकी न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करते रहें। तो भी अपने एक दो क्लासेस में न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में चैप्टर संख्या 5 शुरू करेंगे। उससे पहले पास शुरू करने से पहले न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल लिख के समझ लें, कुछ खुद भी करके देख लें, किसी भी लिटरेचर से, किसी और किसी बुक से, जो भी आपके पास मटेरियल है उससे, या एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं उनमें भी अच्छे न्यूमेरिकल है, उनसे भी आप उनको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। कुछ जितने उपाय हैं उतने न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें दे रखे हैं कि 3 लड़कियां 200 मीटर वृत्तीय त्रिज्या वाली किसी बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग करना शुरू करती हैं। P के व्यासीय विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और डायग्राम जैसा कि दे रखा है इसमें, और हमें उस डायग्राम को देख के पता करना है कि क्या क्या दिया है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। दूसरा, डायग्राम जिनमें नहीं है उनकी लैंग्वेज को समझना और क्या दिया गया है ये समझना है। जब ये पता चल जाए अपने को, क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सोल्व हो जाता है। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, दिक्कत आती है क्वेश्चन को समझने में कि अपने इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि शुरू कहां से किया था, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो आपको क्या दे रखे हैं, 3 लड़कियां बर्फीली सतह पर बर्फ में स्केटिंग कर रही है। स्केटिंग होती है जो दो रोड दी जाती है उससे, बर्फ में जो चलते दौड़ते हैं उसको स्केटिंग प्रोसेस होती है, वो कर रही है 3 लड़कियां। और पी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और व्यासीय बिंदु हम तो जैसा डायग्राम में दे रखा है उसके बिल्कुल सामने जो व्यास बनता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अपने को क्या दे रखे हैं, अपने को इसमें ये इस तरह से दे रखा है जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है अपने को, उसी तरह से P से Q की तरफ अपने को इसमें दे रखा है कि 3 लड़कियां, एक लड़की A इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। ये A है, ये B है और ये C है, ये इसका केंद्र बिंदु है। यहां से जो इसकी त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 200 मीटर। तो ये अपने को डायग्राम दे रखा है। अब अपने को इसमें क्या पूछा है, किस लड़की के लिए विस्थापन इसके तय किए गए पथ के बराबर होगा, एक तो ये पूछा है। और दूसरी बात इसमें क्या पूछी गई है, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा। सबसे पहले तो विस्थापन सदिश बताना है, तो विस्थापन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो यहां से चलिए, इधर से आई हो चाहे इधर से आई हो चाहे इधर से किधर से भी आई हो, कहां से शुरू हुआ है और कहां पहुंची है, उनके बीच में अगर सीधी लाइन बढ़ाएंगे तो ये एक ही लाइन बढ़ेगी जो इसका क्या है, व्यास है।
तीनों लड़कियों के लिए विस्थापन ले तो तीनों लड़कियों के लिए सीधी दूरी क्या होगी, पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस सीधी। सीधी डिस्टेंस क्या होगी, व्यास होगा, व्यास की त्रिज्या का दुगुना हो गया है तो 2 × 200 कितना मीटर, 400 मीटर। अभी क्वेश्चन इतना लंबा छोटा दिख रहा है लेकिन इसका रिजल्ट देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट भी कोई बड़े नहीं है, साथ में 8वीं क्लास के कंसेप्ट है कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। लेकिन अपने को यहाँ क्या यूज करना है, अपने मैं दूरी विस्थापन में जो डेफिनेशन समझी थी चैप्टर संख्या 3 में उनका यूज हो रहा है यहाँ। एक बात, दूसरी बात ये पूछा है किस लड़की के लिए यह मान लंबाई जो है वो स्केट किए गए पथ के बराबर है, यानी इसके विस्थापन के ही बराबर है। तो इसके लिए देखें तो इसी भी दूरी है 400 मीटर, तो इधर से आएगी तो इसकी तो ज्यादा हो जाएगी। अब केटीपीटी लाइन है, हमें दे भी रखा भी किस तरह से इसका मान, तो हम इसका मान इससे बता नहीं सकते सोल्व करके, ठीक है। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि इसकी तुलना में तो क्या होगा, ये ज्यादा ही होगा। इधर से दिख रहे हैं तो ये मान कितना घूमते भी आएगी तो ये भी ज्यादा ही होगा। तो किसके लिए, बी जो लड़की है वो सिर्फ आती भी इसी रास्ते से ही है, वो इसी पथ से आती है और विस्थापन भी इसका क्या है, यही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए विस्थापन भी उतना ही है जितना इसने रास्ता तय किया। इसलिए कहा गया है कि ए से बी जाने का रास्ता है कोई भी हो सकता है। एक ने ये रास्ता अपनाया, एक ने ये रास्ता अपनाया, एक ने ये रास्ता अपनाया, तो सीधा रास्ता हमेशा एक ही होता है। कोई चौथा जाए तो वो ऐसे भी जा सकते हैं, कोई ऐसे भी जा सकते हैं, इतना घूम के भी जा सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि सो कितना घूमने की आदत है। तो यहाँ ए से बी तक अगर जाते हैं तो सीधी डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा सिंगल होती है, एक ही होती है, यही है सीधा पार। तो बी जो लड़की है वो इसी रास्ते से जाती है तो जाए सीधे रास्ते से रही है, तो उसके लिए तो वही दूरी होगी, वही विस्थापन हो गया। इनकी बात करें तो इनके लिए विस्थापन तो यही रहेगा सीधा रास्ता, लेकिन दूरी की बात करें तो ये पूरी जोड़नी पड़ेगी वो दूरी, ठीक है। इनमें जब सॉल्यूशन करना होता है तो लिमिटेड कोई निश्चित परिमित आकृतियां दे दी जाती है, जिससे वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो तब हम सॉल्व कर सकते हैं, वृत्ताकार पथ पे तो परिधि होगी उसकी, आधा वृत्त कर रही है तो परिधि आधा होगा, चौथाई कर रही है तो परिधि चौथाई होगी, केंद्र तक आ रही है त्रिज्या भी जोड़ दो, इस तरह की स्थितियां इसके अंदर दे दी जाती है। तो इसके लिए दूसरा आंसर जो है वो किस लड़की के लिए है, एक्चुअल पथ की लंबाई के बराबर होगा, तो किसके लिए, बी के, बी के लिए उतना ही विस्थापन होगा उतना ही उसने एक्चुअल पथ की लंबाई कही है। तो ये एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से, कोई साइकिल सवार किसी किसी वृत्तीय पादक के केंद्र ओ से चलना प्रारंभ करता है, केंद्र ओ से चलना प्रारंभ करता है, सेंटर से चलना प्रारंभ करता है और पादक के किनारे पी पर पहुंचता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है पादक के किनारे पी पर पहुंचता है, पहले पी से फिर होता हुआ पुनः वह परिधि के अनुदिश क्यू ओ के रास्ते वापिस आ जाता है, केंद्र भी आ जाता है। पारक की त्रिज्या 1 किलोमीटर है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल क्या होगी। तीन बातें बताने, क्या दे रखा है चित्र बनाया हुआ क्वेश्चन के अंदर, चित्र इस तरह से है, चित्र ध्यान से समझ ले क्या है उसी के अनुसार सोल्व करना। ये केंद्र है पारक का, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 किलोमीटर है, हमें दिया गया है, आर का मान कितना दे रखे हैं 1 किलोमीटर। अब जो साइकिल चलाने वाला आदमी है वो केंद्र से चलता है और कहां पर आता है, सतह पर आता है, सतह से वो गति करता है, प्रारंभ करता है गति करना, और क्या लिखा है, क्यू ओ के रास्ते, किधर से जाएगा वो, फिर यहां पहुंचा कहा, क्यू बिंदु यहां है, फिर ओ के रास्ते, ओ इधर है, ओ इधर आ गया, क्यू ओ के रास्ते और पुनः वापिस आ जाता है, वापिस कहां पर आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। अब अपने क्या बताना है इसके अंदर, इसकी त्रिज्या 1 किलोमीटर है और इतना गति करने में यहां से आ गया, यहां से आया, फिर यहां आया, इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लगा उसे, कितना लगा, 10 मिनट। अब आपको इसमें क्या बताना है, तीन बातें बतानी है। पहली बात विस्थापन,
दूसरी बात वेग, तीसरी बात चार्ज, तीन बातें हैं इसमें बताने। इसको सोल्व करने के लिए अब आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो फिर हम सोल्व नहीं कर सकते। विस्थापन की बात हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कर ली थी, क्या होता है दूरी विस्थापन, और नहीं पता है तो आप चैप्टर तीन जब स्टार्ट हुआ है उसकी सबसे पहली क्लास में दूरी विस्थापन है उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसमें हमने बहुत क्वेश्चन किए उसके बारे में, तो उनको अच्छी तरह से देख लें कैसे दूरी विस्थापन निकाल में क्या मतलब होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से जो चलते हुए आएंगे, कंटिन्यूटी से चलते आएंगे साइंस के अंदर, उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो जैसे मान लो तीन चैप्टर नहीं देखे डायरेक्ट चौथे में आए तो अब उसको दूरी विस्थापन नहीं पता है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप शुरू से जिन्होंने जो डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं शुरू से पहले डे वन से देख लें, और ये भी देखते रहे और डे वन से पिछला भी देख लें साथ साथ, एक दिन में 20-20 मिनट की क्लास है 25 मिनट की, तो आप एक दिन में 2-3 भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है, जो बराबर चल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ आप देखते रहें और हम पूरा सिलेबस जो है वो साथ साथ कवर कर लेंगे जितना भी समय लगेगा। अब देखो इसमें दूरी विस्थापन की बात कर ली हमने, चाल और वेग की बात कर लेते हैं, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, दूरी में परिवर्तन की दर चाल होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है, तो विस्थापन में जब समय का भाग देते हैं तब तो आता है वेग, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, निश्चित दिशा में भी बात की थी ना, निश्चित दिशा में गति होती है वहां, तो विस्थापन सीधी सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी होती है तो निश्चित गति होगी। अगर ऐसे बात करें कि एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, अब इसकी दिशा तो निश्चित है, इसकी निश्चित थोड़ी है, इधर मुड़ गया फिर इधर मुड़ गया फिर इधर मुड़ गया फिर इधर मुड़ गया, हर बिंदु पर चेंज हो रही है, तो ये तो अदिश राशि है और ये सदिश राशि, ये दूरी है और ये विस्थापन है, ठीक है। तो विस्थापन से तो क्या आता है, विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश है, तो विस्थापन से वेग आता है और दूरी से चाल आती है, तो दूरी में जब समय का भाग देते हैं तो चाल आता है और विस्थापन में समय का भाग देते हैं तो वेग आता है, वेग में दिशा भी है। लास्ट टॉपिक में हमने बहुत डिटेल से बात की थी, अभी केंद्रीय त्वरण में कंफ्यूजन भी हो सकती है हमारा, उसको आप ध्यान से समझ लें कि वेग का मतलब उसमें दिशा भी होती है, चाल का मतलब उसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, तो दूरी से जब सोल्व करोगे तो चाल आएगी, विस्थापन से जब सोल्व करोगे तो परिमाण आएगा। हमें इसमें हमें दूरी याद करनी पड़ेगी क्योंकि हमें चाल पूछी है, समय तो 10 मिनट ही है, टोटल कितना समय लग रहा है, जब चाल निकालनी है तो दूरी निकाल लो उसमें 10 मिनट का भाग दो, जब वेग निकाल रहे हैं तो विस्थापन निकाल लो उसमें 10 मिनट का भाग दो, पहले तो निकालते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, कुल पथ जो होता है वो दूरी होती है, कुल पथ ओ से चलाकण हाथ पहुंचा, इसको पी बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु दे रखा है, पी बिंदु मान लेते हैं, तो ओ से पी गया पहले, पी किधर मुड़ा, पी से क्यू, फिर किधर मुड़ा, क्यू से ओ, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 किलोमीटर, तो ये तो दूरी हो गई 1 किलोमीटर। अब ये कैसे निकाले, कितना मान निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले, ये पूरी परिधि कितनी होती है 2πr, और 2πr कितना भाग है, एक तो नहीं भाग है ना, इतना लेंगे तो आधा वृत्त हो गया, इतना लेंगे तो 4 होगा डिवाइडेड बाय 4, तो 2πr का मान लू कितना है 1 किलोमीटर, कितने भाग देते इसमें 4, बात 2πr/4। अब ये यहां से वापिस फिर यहां तक भी तो आया है, तो ये दूरी भी कितनी है 1 किलोमीटर, तो ये भी कितना लग देंगे, देखो किलोमीटर भी ले रहे हैं, तो कहे भी एमपीएस की बात करते हैं हम शुरू से, तो आप इसको एमपीएस में बदल सकते हो, पहले सोल को बाद में बदलो, ठीक है, और चाहे पहले बदल के बिल्कुल, तो मीटर में बदलना है 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे राशि गुणा कर देंगे, बाद में कर देंगे राशि गुणा, तो ये आगे 1+1 कितने हो गए 2, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अपने ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये 2 से कट गया, पाई बटे तो पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 × 2 कितने हो गए 14, सोल्व कर लो इसको, लघुत्तम लेंगे कितना आ गया 14 × 2 कितना हो गया 28+22 कितना हो गया 50, 50/14 बराबर कितना आ गया 25/7 होगा भाग जा रहा ना 25/7। अब आप इसको मीटर में लिखें, ये तो किसमें है किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में, मीटर में लिखें तो दूरी मीटर में अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्या आएगा
पच्चीस बटे सात गुना 1000, ठीक है। आप इसको गुणा करके सात डाल दे तो पॉइंट तीन पॉइंट आगे खींच सकते हैं, मान गुणा कर लेना जो भी आगे उत्तर आए आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया दूरी, विस्थापन की बात करें। अब देखो चाल निकालनी, दूरी से क्या आएगी, चाल आएगी। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। एमकेएस का ध्यान रखें, एमकेएस तो मीटर में होनी चाहिए दूरी, और समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में। के का मतलब किलोग्राम है, द्रव्यमान है नहीं, तो दूरी कितनी है, ये दूरी है। समय कितना है, 10 मिनट है ना, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो किससे गुणा कर दो, 60 से कितने हो गए 600, तो भाग दे दो 25/7 गुणा 1000/7, कैंसिल आउट हो गया। अब आप ही इसमें भाग देंगे, उत्तर निकाल लो कितना हो जाएगा, ये 25 को 100 से गुणा करेंगे, ये 2500 और 7 गुणा 6 42, इसको भाग देंगे निकाल लो, ये चार आ जाए किसमें, हमने बदल लिया इसको मीटर प्रति सेकंड में, अगर तुम नहीं बदलते तो किलोमीटर प्रति घंटे प्रति मिनट में आ जाता, ठीक है। बेटी डालो भी चेंज करना ही पड़ता है बिल्कुल, तो आप इसको चेंज करके सोल्व कर लो हमेशा, एम के एस के अनुसार ही चलो, दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, वेग के लिए उससे पहले हमें विस्थापन पूछा है, नहीं पूछा होगा तो भी वेग हमें निकालना पड़ता, सॉरी विस्थापन हमें निकालना पड़ता वेग सोल्व करने के लिए, तो इसको सोल्व करते हैं। वेग पहले विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, क्या होता है विस्थापन, सीधी दूरी। अब सीधी दूरी दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदु कौन से, जहां से चले और जहां पहुंचे, इस बात को ध्यान रख लो तो दूरी विस्थापन कभी गलत नहीं होंगे, ये बात ध्यान देगी कि क्या ध्यान रखना है, जहां से चले और जहां उनके बीच में क्या लगा दो, सीधी लाइन लगा, वही क्या होती है विस्थापन। अब कहां से चले, कहां से चले, कहां से, ओ से चले, तो कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, वापिस, वापिस ओ पर ही पहुंच गए, तो जहां से चले वही पहुंच गए, तो खुद उसी बिंदु की, उसी बिंदु से कोई दूरी होती है, कोई दूरी नहीं होती, यहां से चले और यही पहुंचे, तो इस खुद की खुद से कोई दूरी नहीं होती, इसलिए ये दूरी कितनी है, कितनी है, जीरो। तो विस्थापन कितना आया, जीरो। चाल निकालने, चाल बराबर क्या होता है, सॉरी वेग निकालना है, चाल तो निकाल लिया, वेग निकालना है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो विस्थापन कितना, जीरो। समय कितना, समय कितना, 10 मिनट या 600 सेकंड, ठीक है। तो जीरो में किसी का भी भाग दे दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब है इसका वेग कितना है, जीरो है, और विस्थापन कितना है, जीरो है। तो क्या है अपने पास, यहां क्या बात आ गई, क्या बात आ गई, दूरी आ गया, विस्थापन आ गया, वेग आ गया, चाल आ गया, इसके साथ साथ दूरी विस्थापन हमारा रिवाइज भी हो गए, वापस ही रिवाइज हो गया दूरी विस्थापन। इसलिए बाकी आप अगर पहले दूरी विस्थापन वाली क्लास देखोगे तो ये तो बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि ये वहां हो चुकी है शायद, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इनको रिवाइज करें, एक दो क्लासेस और हम जितने भी बढ़ेंगे रिकॉर्ड करके अपडेट करेंगे, दो चार क्वेश्चन और अपडेट कर लें, क्वेश्चन जरूर आप सोल्व कर लें, जिस तरह क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप पढ़ें, इसको रिवाइज करें, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास जो है वो बाद में सोल्व करेंगे।